जिनाजी नाम आपको एक ऐसे गांव में लेके जा रहे हैं जहां पे बेसिक फैसिलिटी की अगर बात करें तो वहां के लोग आज भी तरस रहे हैं। कच्चे मकान हैं और LOC के करीब ये गांव आज भी है जो पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहां कई किलोमीटर पैदल चल के पानी लाते हैं और इनके कच्चे मकान देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये किस हालात में रहते होंगे, किस मुश्किलात से हैं जो वो दो चार होते होंगे। LOC के करीब ये गांव है जो सब डिविजनल मेंडर की मनकोड़ तहसील और छजला पंचायत की वार्ड नंबर 1 और 2 की हम बात करें तो यहाँ के लोग हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और ये बात करना भी अहम रहेगा कि इस पंचायत के सरपंच जो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है और इससे भी चुका देने वाला मामला ये है कि इसी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं BDC चेयरमैन जो मनकोट हैं और DDC मेंबर मनकोट, वो भी इसी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। आइए सुनते हैं कि इस इलाके के लोग और मुतलका सरपंच इस हवाले से क्या कहते हैं। तो मीडिया हजरात का इंतहाई ममनून हूँ कि हमें जब भी कोई परेशानी हुई हमने आपसे रुजू किया और आपने हमेशा हमेशा हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में हमें अपना ताउन दिया, जिसके लिए हम इस पूरे इलाका के लोग आपके ममनून हैं। मैं ये बताता चलूँ कि ये मेरी पंचायत जो छजला ऊपर है जिसमें हम यहाँ खड़े हैं, इसकी ये आबादी जो है 3200 अफराद पर मुश्तमिल इसकी आबादी है और करीब 1400 के करीब इसके वोटर हैं। इसकी 7 वार्डें हैं और जहां हम खड़े हैं इसको मल्ला पत्री कहते हैं। पत्री 2 वार्डों पर मुश्तमिल एक कटा फूटा गांव समझ लें और बिल्कुल ही ये फेंस हमारे पीछे फेंस है और बिल्कुल एन फेंस के ऊपर है। यहां के लोगों की जो जिंदगी गुजारना इंतहाई दुश्वार गुजार हमेशा रहा है। 1947 से अगर मैं बात करूँ तो तब से लेके आज तक यहाँ के लोगों ने एक जंग नहीं, 2 जंग नहीं, 3 जंग नहीं, मैं ये कहूँ कि हर रोज एक नई जंग का सामना इन लोगों को रहा है। हर जंग के पिछले 1-2 साल से सीज फायर की वजह से यहाँ के लोगों को राहत मिली, लेकिन अमेर ये कामल नहीं है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। लेकिन जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से इन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ वफा की, हिंदुस्तान का झंडा जो है वो मजबूती से थामे रखा। लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज ये कहना पड़ेगा कि उसके बदले में वो इस वफा के बदले में जो मुल्क के तहीं, मुल्क के कानून के तहीं, मुल्क के आइन के तहीं, इस जमहूरी मुल्क के आइन के तहीं जो वफादारी यहाँ के लोगों ने की और हमारे बुजुर्ग जो हमारे फौत हो चुके हैं फोर फादर्स उन्होंने जो वफादारियाँ की उनके बदले में इस इलाका को कुछ नहीं मिला। इस इलाका की डेवलपमेंट मुनासिब तरीके से नहीं हुई। यहाँ आपने देखा होगा चल के आए हैं आप कि घंटों चल के पानी पर जाना पड़ता है, 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर तय करके पानी पर जाना पड़ता है। यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है और छोटी मोटी प्रॉब्लम तो है, लेकिन पानी बिजली रोड और जो सेहत का मसला है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। और हम जब बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, जब शेलिंग का हमें सामना रहता है तो हमें दुश्वारी ये रहती है कि हमारे हमारे यहाँ अगर रोड नहीं है, कोई आदमी परेशान होगा, बीमार होगा, कोई जख्मी होगा तो हम कैसे हम हॉस्पिटल तक पहुँच सकेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले कैसे जाएंगे, हमारे अगर कोई बीमार आदमी हमें हॉस्पिटल लेना पड़ता है तो हम कैसे ले पाएंगे। तो हमें इस किस्म की परेशानी है कि हमें घंटों आदमी को यहाँ से कंधे पर उठा के जाना पड़ता है। हमारी रोड एक रोड जो यहाँ ट्रैक्टर रोड बनी थी सबका नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में, तो जो यहाँ के सबका मेंबर असेंबली है उनके तावन से यहाँ एक ट्रैक्टर रोड बनी थी, वो ट्रैक्टर रोड इस वक्त तक अपग्रेडेशन उसकी नहीं हो पाई है। हरचंद के उस रोड का BADP में एक प्रोजेक्ट बना है, मंजूर हुआ है, लेकिन DPR न बनने की वजह से, टेंडरिंग न होने की वजह से वो सड़क उधरी पड़ी हुई है। हम चाहेंगे कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे। मोहतरम DC साहब के जरिए मैं ऑनरेबल गवर्नर जो है हमारे मनोज सिन्हा साहब उनसे ये अपील करूंगा कि वो इस बॉर्डर इलाके की तरफ खसूसी तवज्जो दें। आपने जब भी हमने ये सुना कि सरकार जो है वो आवाम की सरकार है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा मैं समझता हूँ कि ये नारा जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक है, पेपर्स तक है, ऑन ग्राउंड इस नारे का कोई असर नहीं है। हमें पानी की दिक्कत है, हमारी लिफ्ट स्कीम जो है 2017 में यहाँ एक बोर हुआ था, 2017 से लेके आज 2023 है, 2023 में भी आज यहाँ के लोगों को पानी नहीं है। आने वाले गर्मी के दिन में
और ज्यादा मुश्किल का सामना होगा। मैं जनाब डीसी साहब से, मोहतरम यासीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठा के इसका अंदाजा लगाया जा सके कि आज तक ये लिफ्ट कंप्लीट क्यों नहीं है। और दूसरा, ऊपर से जो जल शक्ति का पैसा आया है उस पैसे को ओवरलैपिंग के जरिए एक अम्ब्रेला के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और जो जो नबार्ड का पैसा था या जो बीएडीपी का पैसा था या दूसरी स्कीमों के तहत जो पैसा था, बिलखसूस हमारी इस पतरी के लिए स्कीम है नबार्ड में, जो वो नबार्ड का पैसा भी उसमें मर्ज कर लिया जाएगा और जल शक्ति का पैसा भी उसमें डाल के वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों को, अल्टीमेटली यहाँ के लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी ये सीरियस कंसर्न है कि भाई नबार्ड के पैसे का भी हिसाब दें, जल शक्ति के पैसे का भी हिसाब दें, जो पैसा उस स्कीम में है वो उसके मुनासिबत से लगे, जो पैसा इस स्कीम का है वो उस मुनासिबत से लगे, और यहाँ के लोगों को पानी मिले। यहाँ छोटे छोटे नेचर चश्मे हैं यहाँ बाडो एरिया में, वहां से हम टेप करके पानी लाते हैं। मैंने महकमा पीएचसी से बात भी की है, डब्ल्यू ने इसको एडमिट भी किया है कि मैं पाइपें प्रोवाइड करूंगा। मैं आज फिर आप मीडिया हजरात के जरिए ये अपील करूंगा कि इस इलाका में खसूसी तवज्जो देके यहाँ का पानी, बिजली और जो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो बहाल किया जाए। ये मेरी दरख्वास्त रहेगी आज आप मीडिया के हजरात के जरिए। जनाब डीसी साहब से मेरी अपील है कि डीसी साहब इसमें इंटरवीन करें और इस इलाके की पसमानदगी पर खसूसी तवज्जो दे। यहाँ सही साहब, एक बड़ी पार्टी के साथ आप वाबस्ता हैं जी, और उसके सरपंच भी हैं इसी इलाके के, यहाँ पे डीडीसी और बीडीसी भी इसी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं, इस इलाके की इतनी बड़ी परेशानी इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं ये कहूँ कि जब से मेरी पार्टी की बात है, मैं पार्टी लीडरशिप का मैं ममनून हूँ कि 2002 में जावेद राणा साहब ने यहाँ जो इलेक्शन जीतने के बाद, आपको सामने नजर आता होगा एक ब्रिज बना, छिजला का ब्रिज बना, और वो ब्रिज बनने के बाद ये इस इलाका में डेवलपमेंट हो सकी है। उसके पहले तो कोई डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं था। मैं डीडीबीडी जो अपनी जगह पे वो दे सकते हैं जो सवाल का जवाब कि वो उन्होंने इस इलाका के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मेरी नॉलेज में मेरी दानिश में उनका कंट्रीब्यूशन इस मेरी पंचायत के लिए जीरो है। मैं आज आपके जरिए भी कहूंगा कि भाई आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, अगर तो आपको भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, आपको भी हिस्सा डालना चाहिए। आपने जो हिस्सा दिया इन लोगों को उसका हिसाब दें, लोगों को बताएं कि हमने ये पैसा दिया, पानी के लिए दिया, बिजली के लिए दिया, हैंडपंप के लिए दिया, स्कूल के लिए दिया, कहीं ग्राउंड के लिए दिया, कहीं रोड बनाने के लिए दिया, तो कोई किसी ने कुछ नहीं किया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम फाइट करेंगे गवर्नमेंट से, हमें इकतदार मिले ना मिले हम फाइट करेंगे और हम अपने लोगों को कभी परेशान नहीं होने देंगे। जी नाज़रीन, इस इलाके के सरपंच सईद चौधरी ने, उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर मैंने क्या किया है, मैं उसका जो भी डाटा है वो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इससे कबल जो सरपंच थे या अब मौजूदा जो डीडीसी बीडीसी हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस आवाम के लिए, वो उनको भी इस हवाले से जवाब देना चाहिए। अब सुनते हैं इलाका के जो लोग हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या मांग करते हैं। मैं पत्री एक नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड के लोग यहाँ इकट्ठे हुए आज, और इन लोगों को पूरी हर चीज की परेशानी हो रही है, ना तो यहाँ रोड है और ना ही पानी, और बिजली भी कहीं लगी है कहीं नहीं लगी अभी, और बहुत दूर है। हमारा एक आदमी को बीमार हो जाता है अगर रात के समय या दिन के समय, तो फिर हमारे को 10-20 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसको उठा के रोड में पहुँचाने के लिए बहुत ही कष्ट करनी पड़ती है। जाओ तो डॉक्टरों को देखो, डॉक्टर भी मोड़ छोड़ी ना लाए, फिर वो इसी फिर गरीबी के दसन जनाब है, परेशानी आई भी इस इलाका में हर किस्म की, एक दो भी तक से आदमी वो सारी देखो जी, पानी रोजी तक परेशानी में आई अभी, अगर राशन आउनू लिया ना तो आउनू चलो 200 लगे, वो आने वो इतनी मुश्किल आती, और लगे भी जितना गए हुए तो पहुंचे तो मुश्किल इलाका में रोड के बगैर या किसी चीज़ के बगैर चलो नहीं, वो मारी आन जान बाजार जाना सोचो, चाहे पानी आना जो इसकी भी बड़ी मुश्किल आती है। इसी अगर जो उन पानी है वो भी सिर पर चुआ ला या घोड़ा पर रख कर वो पिया, रमजान में भी किसी दिन उन पानी मनो या मनो सरगी खा दो और पानी नहीं लगो, तो इस तरह की तकलीफ जी हमने काफी बार पेश की, लेकिन किसी जगह अपना वो हल नहीं निकलो।